नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब्स की ऑनलाइन तैयारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी। तो आज का हमारा दोस्तों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक दो सवाल इसमें और करते हैं आज, ताकि जो है आपको इसके बारे में और क्लियरिटी आए। और मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है इसके बारे में तो ज़रूर पूछिए। तो पहला आज का जो सवाल हमने लिया है दोस्तों, वो है कि सवाल ये है कि एक कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि टोटल टाइम जो है 7 आवर 20 मिनट लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि अपना 1/3, ये जो है अगर टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी एक्स जो है, तो एक्स बाई थर्ड जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बाकी जो दूरी बची है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो सवाल ये है कि टोटल एक्स जो है वो क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन ट्रिक्स में क्या है कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप चीज़ों को रटें और फिर उसमें आप अपना दिमाग लगाएं, इसलिए सिंपल तरीका जो इसको एक लॉजिकल तरीका है लॉजिक से हल करने का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में दोस्तों। तो ठीक है, देखिए अब पहली बात ये हो गई कि जो आप आपके पास दूरी है x/3 और चाल है 60 km/h, ठीक है। तो आप इसके समय निकाल लें t1, ये हो जाएगा x/3/60/1, तो ये होगा x×1/60×3, दैट इज 60 x/180, ठीक है। t1 यानी ए से ये पॉइंट अगर मान लीजिए सी है तो सी तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, और t2 जो टाइम है वो आपका x/3 ये है, तो ये क्या होगा 2x/3 होगा। तो 2x/3 का डिवाइड करेंगे आप 45 से, तो इसके नीचे एक लग वो माना जाता है, तो ये हो जाएगा 2x/3×45, ठीक है दोस्त। ये हो गई दूसरा टाइम। अब टोटल टाइम जो t1 + t2 है वो कितना है, 20 मिनट को आप उसमें घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो 20/60 ये हो जाएगा 1/3 आवर, ठीक है। और अगर आपके पास टोटल है 7 + 1/3 तो हो जाएगा 3 7 21/3 आवर, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो t1 + t2 बराबर हो जाएगा आपका x/180 + 2x/3×45, ठीक है। ये कितने के बराबर है, 22/3 बराबर, ठीक है। तो अब आपको इसको हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो 45 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा, और 180 × 135 लघुत्तम ले लीजिए आप, तो 135 + 2×188 यानी हो जाएगा 1836, 360 ये × x, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप हल कर लीजिए, इससे आपको x का मान निकल आएगा जो कि 360 होगा, यानी 360 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हल करने का ये तरीका है कि इसका आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको यहाँ ले आइए और इसको आप हल करेंगे। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी को आगे एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक है। तो
ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल इस तरह से है कि दो साइकिल सवार हैं, ए से बी तक दोनों को ही जाना है। दो साइकिल सवार हैं, ए से बी तक दोनों को जाना है, लेकिन एक की स्पीड जो है 15 km/h है और दूसरे की 16 km/h। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक को जो ये दूरी तय करने में 16 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी किसको ज़्यादा लगेगा? अगर इसको आप फर्स्ट मान लीजिए तो इसको फर्स्ट प्लस 16 मिनट जो है बराबर होगा सेकेंड, ये इसको आप दूसरा मान लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ए से बी के बीच की दूरी है वो कितना है, यानी ए से बी जो है वो कितना है। आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। सिंपल सा है तो देखते हैं। अब फिर से वही सिंपल फार्मूला, क्योंकि एक्स ये दोनों जो दूरी है तो सेम है, तो मान लीजिए पहले का जो टाइम है T1 वो क्या है, एक्स बटा 15, और T2 क्या है, सेम एक्स बटा 16। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है T1 - T2, ठीक है, तो इसमें T1 वैसे छोटा होगा, क्यों T1 बड़ा होगा, क्योंकि T1 में जो है स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको T2 - T1 करके हल करिए। ठीक है, तो T2 का वैल्यू होगा X/16 - X/15, तो T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो 16 मिनट है। इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि स्पीड आपकी घंटे में दी हुई, तो इसको भाग दे दीजिए 16 से। ठीक है, तो 15 - 16 X/15, 15 × 16। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा, क्योंकि स्पीड जिसमें कम है उसमें टाइम ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे क्या है कि T1 बड़ा है T2 से, इसलिए क्या करेंगे हम, T1 - T2 करेंगे और X/15 - X/16 करेंगे। ठीक है, तो ये है 16 मिनट और बटा 60, ये क्या होगा, 16 X - 15 X/16 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये X/16 × 15 हो जाएगा, और अब एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, तो बाकी एक्स को छोड़ करके सब कुछ पक्षांतर कर दीजिए आप, 16 × 15 / 60, तो 15 × 60 4 × 16, 16 × 64 किलोमीटर, ये हो गया हल। तो दोस्तों, अभी इन दो सवालों के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आप इसके आगे के सवाल और भी देखेंगे, और इनके अलावा जो भी अगर आपको कोई किसी सवाल के बारे में कुछ समझना है, जानना है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।